और अभी मैं हूँ देहरादून में, तो चलिए शुरू करते हैं। बाद मुझे अपने दोस्त को लेने एयरपोर्ट भी जाना है। अभी हमें अमित भाई मिले हैं। अमित भाई ना, तो भाई आप कहाँ से हैं? मैं बचाल गांव से हूँ। अच्छा, और यहाँ मैं मोकमपुर में रहता हूँ। अच्छा, तो कैसा लगा, मतलब कि आपको, आपने कैसे पहचाना मुझे? अरे मैंने भाई को यूट्यूब में देखा था और इंस्टाग्राम पे देखा था। कुछ इस प्रकार से स्टूडियो, ये है माइक लगा। मेरा भाई तू मेरी जान है, मेरा भाई तू मेरी शान है। अभी हमने इतनी शॉपिंग कर ली है, ये देख सकते हैं, और अभी शॉपिंग कर रहे हैं। हमारे अपार्टमेंट में बहुत सारे कपड़े लगे हुए हैं। म्यूजिशियन प्रदीप पासवाल जी और उत्तराखंड के जाने माने शख्स हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून, देहरादून की नसीन वादियों से। और अभी मैं हूँ देहरादून में, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं भी यहाँ रखा हूँ एक सैलून में, तो थोड़ा जस्ट आके अपने थोड़ा सेटअप वगैरह करते हैं, बालों का थोड़ा सेटअप वगैरह करते हैं। अभी जस्ट बालों वगैरह उन्हें सेट कर दिए हैं और अभी मैं जा रहा हूँ एक मीटिंग में, तो मीटिंग भी होने वाली है। उसके बाद होने वाला है सॉन्ग रिकॉर्डिंग, के बाद मुझे अपने दोस्त को लेने एयरपोर्ट भी जाना है। तो आज टाइम भी काफ़ी कम है और कल घर भी निकलना है, परसों रक्षाबंधन भी है, तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो ऐसे बने रहेगा ब्लॉग में। अभी मैं रिस्मना पुल में हूँ देहरादून में, और मैं जस्ट स्टूडियो में जा ही रहा था। अभी हमें अमित भाई मिले हैं। अमित भाई ना, तो भाई आप कहाँ से हैं? मैं बचाल गांव से हूँ। अच्छा, और यहाँ मैं मोकमपुर में रहता हूँ। अच्छा, तो कैसा लगा, मतलब कि आपको, आपने कैसे पहचाना मुझे? अरे मैंने भाई को यूट्यूब में देखा था और इंस्टाग्राम पे देखा था। अच्छा, तो मैंने वो भाई वही है, मैंने पहचान लिया भाई। अच्छा, कैसा लगा भाई आपको मुझे मिलकर? बहुत अच्छा लगा भाई, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। और भाई न्यूजीलैंड जाने वाले हैं कुछ दिनों में, और भाई को अग्रिम शुभकामनाएं। ऐसे ही प्यार सपोर्ट यार आप भी बनाए रखें। अगर आपको मैं कहीं में भी दिखता हूँ तो यार बिल्कुल हाय हेलो करें और मिलने की कोशिश जरूर करें। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच अमित भाई, थैंक यू भाई। अभी सर आ गए मुझे लेने, मैंने अभी खड़े हो गए, मेरे तो दिमाग खराब हो गया था भाई, धूप इतनी ज्यादा भी हो रही है। और सो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं कल्प स्टूडियो में। मैं ही नेबल की हमारी पूरी टीम पहुंच चुकी है, और स्टूडियो आप देख सकते हैं काफी सुंदर एकदम चकाचौंध स्टूडियो में बन रखी है। और ये हमारे हरिओम शरण जी म्यूजिक डायरेक्टर, और सर की मुस्कान काफी अच्छी है और इसी टाइप से वो म्यूजिक भी देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भगवान गोपीनाथ जी का मंदिर की यहाँ पे तस्वीर लगाई गई है, बद्रीनाथ, और काफी सुंदर, मतलब यहाँ पे आके ना इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि गाना बहुत अच्छा हो जाए, बस यही होप है। कुछ इस प्रकार से स्टूडियो, ये है माइक लगा हुआ, और ये है हेडफोन वगैरह लगे हुए, और यहाँ बैठेंगे म्यूजिक डायरेक्टर, और यहाँ पे मैं हूँ भाई, यहाँ देख रहे हो। और कितना खतरनाक लग रहा है ना स्टूडियो, बहुत खतरनाक स्टूडियो लग रहा है। और यहाँ पर हम ऐसे गाएंगे यहाँ पे। सो फाइनली रिकॉर्डिंग डन हो चुकी है, और यहाँ पर म्यूजिशियन बैठ रखे हैं काफ़ी अच्छे ढंग से, और ये हमारे यहाँ पर सर चमोली सर, इन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा गाइड किया, जो लाइन थी, अंतरा थी, स्वर थे, सिर्फ सबका ज्ञान दे रहे हैं। और लिरिक्स, इसका मीनिंग्स क्या है, मतलब हर एक वर्ड का मीनिंग आपको देखने को मिलेगा इस सॉन्ग में। तो रोना, बहुत ज़्यादा रोना, और कॉमेंट में भी रोना। रुलाने के लिए हमारे सर यहाँ पर डायरेक्टर यहाँ पर बैठ रखे हैं, वो पक्का रुलाएंगे आपको। दोस्तों हमारी रिकॉर्डिंग डन हुई और मीटिंग भी डन हो गई है, और अब जा रहा हूँ मैं जस्ट रूम पर। अभी मुझे विवेक भेजी को मिलने भी जाना है, तो क्या पता मैं विवेक भेजी को मिलने जाऊँ, तो उनको मिलने जाते हैं, उनके घर पर भी जाना है यार, तो चलो चलते हैं। अभी शाम के बज रहे हैं 4, और हम थोड़ा सा लेट हो गए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ, और अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट मेरा दोस्त आ रहा है बैंगलोर से, तो उसे लेने जा रहे हैं, और उसने बोला यार कि मुझे लेने आ जाना, तो मैं देहरादून में हूँ, तो ये तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे लेने जाऊं और उसे लेके आते हैं। तो फटाफट करके निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए, तो बने रहेगा ब्लॉग में।
किलोमीटर हो चुके हैं एयरपोर्ट में और काभी धूप भी लगी रखी है, हवाएं भी चल रही हैं, बाल इधर उधर बिखरे हुए हैं, क्या बोल सकते हैं। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा। ये है भाई एयरपोर्ट, जोलगंज एयरपोर्ट, और सामने पे है कि तिरंगा लहरा रहा भाई। सो फाइनली दोस्तों, मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूं, लेकिन आज मैं ही नहीं, मेरे दोस्त भी लेट हो चुका है, फ्लाइट ही लेट चुकी है, जो बैंगलोर से जो देहरादून आने वाली फ्लाइट थी वो लेट हो चुकी है, और मैं ही नहीं, मेरा दोस्त भी आज लेट हो चुका है भाई। तो अब ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैं ही लेट होता हूँ, आज वो भी लेट हो चुका है, तो उसके अच्छे से क्लास लेंगे, तो लेट क्यों है भाई। अंकित और अंकित अंकित भाई का तो चेहरा एकदम से चमक रहा है, एकदम ब्राइट ब्राइट, कह सक रहे हैं आगे बढ़िया। तो ये भाई अभी ऑटो को लगा रहे हैं पार्किंग पे, और तब तक हम अपने दोस्त का वेट करते हैं। यहाँ से आएंगे भाई वो, यहाँ से दोस्त आ गया भाई, देखो 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 फोन कर रहा है। और सर क्या हाल चाल, बढ़िया एकदम बढ़िया बढ़िया यार भाई। मेरा भाई तू मेरी जान है, मेरा भाई तू मेरी शान है। बढ़िया बढ़िया भाई बढ़िया बढ़िया। और सुनो, और क्या बनो? और बढ़िया एकदम बढ़िया, चले फिर। और सब फाइन दोस्तों, हमारा दोस्त आ चुका है भाई, और भाई आज फ्लाइट इतनी डिले हुई ना भाई, भाई अभी आ रहा 6 बज गए भाई। अभी रात के बढ़ चुके हैं 8 और हम पहुंच चुके हैं वी मार्ट में, जस्ट थोड़ा सा शॉपिंग भी करनी थी, मतलब कि अपने लेवल के यार, थोड़ा बच्चों के लिए भी शॉपिंग करनी थी, तो हम आ चुके हैं वी मार्ट में, तो देखते हैं कि क्या क्या मिल पाता है अपने लिए, लेना भाई दूसरों के लिए लेना है। और देखते हैं क्या क्या पसंद आता है यहाँ पे। अभी हमने इतनी शॉपिंग कर ली है, ये देख सकते हैं, और अभी शॉपिंग कर रहे हैं, अपार्टमेंट में बहुत सारे कपड़े लगे हुए हैं, और आप यहाँ पे आ गए तो यार खो जाओगे, मतलब कि कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ, और तुम्हारा भाई ऐसा लग रहा है, दिस इज चेक आउट द लुक। यहाँ पे ये लेडीज डिपार्टमेंट, और यहाँ पे आपको देख रहे हैं सूट्स वगैरह, और इनका तो मुझे नाम भी पता नहीं कि ये क्या क्या है, प्लाजो वगैरह पता नहीं। मैं स्टूडियो में पहुंच चुका हूँ, और यहाँ पर म्यूजिशियन प्रदीप पासवाल जी, और उत्तराखंड के जाने माने शख्स हैं, और इनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और काफ़ी अच्छा ढोलक बजाते हैं, तबले अच्छा बजाते हैं, ये लाइव रिदम कर रहे हैं, और यहाँ पर म्यूजिक अभी रात के बज रहे हैं 11:30, और जस्ट अभी जाके हमारा सॉन्ग डन हुआ है, और अब निकल रहे हैं घर के लिए, अभी तक भाई खाना भी नहीं खाया, जाके घर पर खाना बनाएंगे उसके बाद खाएंगे, तो बने रहेगा ब्लॉग में। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की